फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अगर आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल जीरो चार्ज पर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और फ्रेंड्स के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें आप बिना चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको फोन पे से ही कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो देखते रहिए। अब फ्रेंड्स फोन पे में आने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने लोगों पर क्लिक करना है। लोगों पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आपको टॉपअप का ऑप्शन दिखेगा फोन पे वॉलेट का। इस वॉलेट वाले पर, इस वाले पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना होगा, आपके जो भी क्रेडिट कार्ड का जितने आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 रुपये ऐड किए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रूफ दिखा दूंगा कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको नीचे प्रोसीड टू टॉपअप पर क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, नीचे आपको यह दिख रहा है कंटिन्यू टू टॉपअप, इस वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा ए डेबिट क्रेडिट कार्ड, बस आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का आपको नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिड टिल मंथ और ईयर आपको डालना है और CVV नंबर आपको डाल देना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपके जो भी आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको एंटर कर देना है। अब फ्रेंड्स आगे प्रोसेस में आपको नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने जैसे यहाँ पर ये ट्रांसफर किए कंप्लीट, आप देखते हो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो अभी जो मेरे फोन पे वॉलेट में ये 10 रुपये आ गए हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से आपको क्रेडिट कार्ड से जितना ही पैसा आपको ट्रांसफर करना है इसकी फ्रेंड्स एक लिमिट होती है, पर फ्रेंड्स उस लिमिट से हर रोज आपको यहाँ पर लिमिट मिलती है, उस लिमिट के अनुसार आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसे ही एंटर कर देते हो और फ्रेंड्स आपको अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपने फोन पे वॉलेट में ऐड कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सिंपल मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल आपको एक स्कैन जो ऑप्शन मिलता है आपको स्कैन करने का, उस स्कैन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्कैन वाले पर क्लिक करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है अपने QR कोड का, उस QR कोड को आपको स्कैन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जिसका भी आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे का QR कोड या आपको किसी अदर का आपको आपका बैंक अकाउंट हो उसका QR कोड आपको डाउनलोड करना है UPI से। ठीक है फ्रेंड्स, आप फोन पे गूगल पे किसी से भी ये कर सकते हो। इसके बाद में आपको गैलरी में जाना है। ठीक है, उसी फोन में आपको उसका ले लेना है स्क्रीनशॉट को कंप्लीट, आपको आपका जो QR कोड है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको गैलरी वाला सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इस QR कोड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर QR कोड को सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हो हमारे सामने ये पेज आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितने ही पैसे आपने फोन पे वॉलेट में ऐड किए हैं उन पैसों को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल मैंने 10 रुपये ऐड किए थे, मैं 10 रुपये यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको नीचे प्रोसीड टू पे दिखेगा, बस आपको इस वाले पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने वॉलेट का एक ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट। आप यहाँ पर एक प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे वॉलेट का ऑप्शन आ गया और वॉलेट पर यहाँ पर पे मैं आपको करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ, अगर आपका फोन पे बिजनेस अकाउंट है, ठीक है फ्रेंड्स, या आपने कोई आपका जो आप किसी शॉप पर अगर पे करे हो तो फ्रेंड्स आपका ईजिली यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है, तभी आपके इस तरह से आए ट्रांसफर होंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर नीचे आपको पे दिख रहा है इस वाले पर आप क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपके पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा और फ्रेंड्स आप इन पैसों को इजीली आप विड्रॉ कर सकते हो आपने जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर किया हो। तो फ्रेंड्स ये तरीका है कंप्लीट, आप इजीली इससे कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर दिखा दिया है और फ्रेंड्स आपको ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है या फ्रेंड्स आपको कहीं पर किसी शॉप पर पेमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इजीली यहाँ पर QR कोड स्कैन करके यहाँ से कर सकते हो और वो पैसे आपके यहाँ पर चले जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।